on this one because this is where Pakistan starts off their T20 World Cup campaign. It's up against USA. ये ग्रुप ए का मैच है, मैच नंबर 11 और 6th ऑफ जून को खेला जाएगा लाइव फ्रॉम डैलस. द कवरेज विल स्टार्ट एट 7 PM पाकिस्तान टाइम. ठीक है, पाकिस्तान की बात हो रही है तो मेरा ख्याल से कि हम हमेशा एक डिस्कशन जारी करते हैं एंड आज की डिस्कशन जो है वो भी जारी करते हैं. इट्स ब्रॉट यू बाय टपाल, तुम मैं एक और कप चाय. राइट, हमने देखा है कि सोशल मीडिया की रेलेवेंस आजकल इस एज में कितनी ज्यादा है और अभी रिसेंटली यू नो हमने देखा कि हमारे एक प्लेयर हैं, करंट प्लेयर हैं, वो हैड टू फेस अ लॉट ऑफ बॉडी शेमिंग, ट्रोलिंग एंड सम क्रिटिसिज्म एज वेल ऑन अ पर्सनल लेवल, ऑन ऑल काइंड ऑफ लेवल्स एंड बहुत सी चीजें लोगों ने लिखी. मैं आजम खान की बात कर रही हूँ. मिस्बा, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक बिकॉज देयर इज सो मच टॉक अराउंड. एक तो उनकी फिटनेस, जब कुछ गलत होता है उनसे, स्कोर रन्स नहीं होते, स्कोर नहीं होता उनसे, या फिर उनसे कोई एक दो कैचेस ड्रॉप हो जाते हैं तो ये वाली बात शुरू हो जाती है कि जो उनको अपनी फिटनेस इंप्रूव करनी चाहिए और हर किस्म की जो है गुफ्तगू चल रही होती है सोशल मीडिया पे, नेम कॉलिंग भी चल रही होती है. देयर इज अ थिन लाइन, राइट? देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन गेटिंग पर्सनल एंड हैविंग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. And I think all of you sitting here who've been in the thick of it would know it better than anybody else what that feels like. Because as cricketers, as athletes, you know, Shoaib, you're facing that all the time as well. Aapka kisko opinion aa gaya, uske upar log 100 baatein likhni. Baad you in your playing days or you even as a commentator get to face a lot. Ki ji, what is he talking about? So ye jo cheez hai aur personal, jana Azam ke liye ये कितना टफ है एंड व्हाट्स योर टेक इन द होल ऑन द होल इशू. वो बात वही हो रही है ना कि एक थोड़ी सी सेल्फ रियलाइजेशन भी उनकी तरफ से नजर आए जहां पे ही इज आल्सो वर्किंग टुवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट एंड बेटरमेंट ऑफ हिज ओन फिजिकल फिटनेस एंड ऑफ कोर्स इट ओनली हेल्प हिम. दैट्स द होल आइडिया कि ये जो हम बातें कर रहे हैं यहाँ पे वो एक बात है जो हमेशा हम कहते हैं जिंदगी में भी क्रिकेट में भी कि देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर कंट्रोलेबल एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर अनकंट्रोलेबल. जो पब्लिक ओपिनियन है, इधर उधर लोग बात करते हैं, वो अनकंट्रोलेबल से. कंट्रोलेबल क्या है? आपकी एफर्ट है. ठीक है, वो मेरे ख्याल में उनको करना कंट्रोलेबल. बिल्कुल, जो है वो एफर्ट ही होता है. एफर्ट हमें चाहिए उनकी तरफ से. दैट वाज टपाल, तुम में एक और कप चाय. माइकल एथन वाज टॉकिंग अबाउट इट, बारबाडोस की कंडीशंस के बारे में, लेकिन इसमें मजीद बात करेंगे. बट वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक.